सागर जिले के सानौधा थाना अंतर्गत लालेपुर गांव में सेना के रिटायर्ड कैप्टन ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से बड़े भाई और भतीजे का मर्डर कर दिया, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। आरोपी ने बेटे के पैर में भी एक गोली मारी, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वारदात की वजह पति पत्नी के बीच चरित्र संदेह बताया जा रहा है। इसी कारण पिछले 4 महीने से उनके बीच अनबन चल रही थी। इस मामले में बताया जा रहा है कि आरोपी रामाधार फरवरी 2019 में सेना के कैप्टन के पद से रिटायर हुआ था। उसे पत्नी संध्या तिवारी के चरित्र पर संदेह था। इस बात पर आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता था। रामाधार भी ज्यादातर गांव के बाहर रहता था, जिससे पत्नी भी रामाधार पर शक करती थी। 31 अगस्त की शाम रामाधार सागर के करीला में अपनी बहन से राखी बंधवा कर गाँव लौट रहा था। किसी बात पर फिर रामाधार की संध्या से बहस हुई, जिससे वह पत्नी को पीटने लगा। वह अपनी कमर में पिस्टल फंसाए था। उसे बचाने के लिए रामाधार के मंझले भाई राम मिलन, भतीजा अजय और बेटी वर्षा आ गए। आरोपी ने पिस्टल से पहले एक हवाई वायर किया। विवाद इतना बढ़ गया कि रामाधार ने भाई भतीजे और बेटी पर भी पिस्टल तान दी। वे जान बचाकर भागे। गांव की गली में आरोपी ने एक एक करके तीनों को गोली मार दी। तीनों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने राम मिलन और अजय को डेड घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वे तो उतर से आए हैं, इतने नहाते उतर से आए हैं, उतर से आके इतने रहे हैं और वे लड़न लगे, गाड़ी दे लगे। सो हम लोग कहते पापा तुम कहाँ कहाँ को दे रहे हो गाड़ी, खूब उन्हों रखो गाड़ी दई, गाड़ी दे दे तो उतर न चले गए। फिर हमने कही कि गाड़ी कहाँ को दे रहे, घर रहो अच्छे से, खाना आना खाओ और अच्छे से रहो। सुनने हमें पहले हमें दो धक्का, सो हम मांगे रे। फिर लड़कियाँ बोली, सो लड़कियाँ को गोली मार दे। फिर जो बचावे को आए सो इन्हों रखो गोली मार देंगे। वे पता नहीं उनको कहाँ से रहे। आपका जो शक है कहूँ, और उनने मतलब कोई औरत के पास रहते हैं, रेत हुई है वे औरत के पास, मतलब हमें निर्णय पक को पता नहीं है कभी कहाँ है कब। यही बात को लेकर आप लोगों को कुछ विवाद हो रही है? तो किस बात से लेकर विवाद होता था? वे तो शुरू ही से ही है ऐसे लड़े, दारू पी कहो लड़ने और कहो बिना दारू के। उनको कुछ समझ में नहीं आता, एक नंबर को पगला है वो तो। क्या वो आर्मी में भी नौकरी? हाँ, आर्मी में करी उनने 30 साल नौकरी। अब 2019 में आए थे, रिटायरमेंट हो गए 28 फरवरी को। हाँ, तो 2-3 साल तो अच्छे से रहे, फिर पता नहीं कहाँ पगा लिया गए। और सबसे ज़्यादा उनके गंदे काम है, कहूँ सट्टा खेलने, कहूँ कछू कहूँ कछू और कछू। ये रोई पैसे हम और हमारी रो पत्ते सो हमें बीमार रहते, फिर सब बच बाल बच्चे जाते। सो कहाँ रेतते रहता पता नहीं, आप कहाँ रेतते जो नहीं ना पता। ऐसे तो नहीं कहूँ आस पास कहूँ कौन औरत रखे होंगे, रखे होंगे जब तो रो पत्ते। हाँ, रखे होंगे क्योंकि वे खराब रहे हैं सुबह तो रखे हैं। कछू नहीं इधर तो बैठो तो वो तो मायके हुआ हमारे हेलगा वो तैसे यहाँ हो सुबह सीते बैठो तो सुबह इनको पटक दाओ सुबह दो रो के काय को मार रहा चाचू। वो अपने बीवी बच्चे हमारा तो हम और उन बचा भी दो रात सुबह हम और हम तक लड़ा तो तुम नहीं आओ नहीं आओ नहीं आओ घर रहो ले आओ है खुदाईया के बंदू। कितने समय से लाए थी? अब भाई महीना से और कछु की बात तो नहीं है तो घर को कछु पर घर को तो 1 साल से चल रहा मोरी मोड़ा को मारा थे सभी 2-3 महीना सागर में रही आई से ढूंढा घर को का विवाद घर को विवाद में तो नहीं कि फैमिली से होती लड़ाई। अच्छा, वो नहीं से झगड़ा करते बीवी को मारा थे बच्चों को मारा थे बीवी को तो बहुत बुरी मार मारा थे जब तुम मारो फाड़ में लोटा लोटा के मारा थे तो हमारे उनको बचा भी दौड़ा थे सब्जी पी हो मार रहा कहूँ दूध पी हो मार रहा कहूँ मोड़ी मोड़ा लेकर जा रहा है तो पैसा मंगा ला के पापा पैसा वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी पर्सनलाइज्ड एजुकेशन कमिटमेंट इंश्योर्स दैट ईच स्टूडेंट नेशनली रिकॉग्नाइज्ड करिकुलम स्कूल हैज लैब्स इंक्लूडिंग फिजिक्स लैब बायोलॉजी लैब केमिस्ट्री लैब कंप्यूटर लैब एंड बुक लाइब्रेरी ब्यूटिफुल 13-acre कैंपस टू स्टूडेंट्स टू लर्न एंड प्ले विथ मैग्निफिसेंट मॉडर्न फैसिलिटी एंड ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determination, sports, activities and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.